नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50x30 स्क्वायर फीट इंडिविजुअल बंगलों के बारे में। तो ये 3 BHK का बंगलो है दोस्तों, इसका प्लॉट साइज़ 50x30 है और इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 1400 स्क्वायर फीट में है। ग्राउंड प्लस फर्स्ट को मिला के 1400 इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है। फ्रंट एलिवेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल बंगलो सेलिंग की दृष्टि से बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका जो लोकेशन है वो नागपुर महाराष्ट्र में है, तो मैं आगे डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको इसको परचेस करना हो तो आप कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, साइट अभी क्लीन नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा सा धूल वगैरह आपको यहाँ पे साइट में दिख सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट गेट से एंट्री करते हैं, यहाँ पर आपको मेन गेट मिलेगा। तो यहाँ पर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से आपको स्पेस मिलेगा, यानी राइट साइड से भी काफ़ी कुछ एरिया छोड़ दिया है, मतलब 10 फीट आपको मिल जाएगा। तो डायमेंशन आपको थोड़ा सा डायमेंशन में वेरिएशन लग सकता है। तो राइट साइड में बाउंड्री वॉल मिल जाएंगे आपको, 10 फीट का यहाँ पे गैप मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी कार इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ मेन गेट से आप अपनी कार इजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं दोस्तों। सामने में भी आपको 8-9 फीट का एक अच्छा सा स्पेस मिलेगा। अभी साइट अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप गार्डन वगैरह डेवलप कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में भी आपको वहाँ पे गैलरी मिल जाएंगी, नहीं लेफ्ट साइड में भी वेंटिलेशन के लिए स्पेस छोड़ा गया है दोस्तों। तो ये होगा इसका फ्रंट एरिया। अभी फ्रंट एरिया में हम एंट्री करते हैं, मेन गेट से हम एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग रूम मिलता है, यहाँ पे ड्राइंग रूम देख सकते हैं दोस्तों। ड्राइंग रूम से ही फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर मिल जाएंगे आपको, काफ़ी अच्छे स्टेयर वगैरह यहाँ पर। अगर मैं ड्राइंग रूम के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15x16 का आपको साइज़ मिल जाएगा, मतलब 15x16 आपको साइज़ मिल जाएगा। विंडो देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी सी विंडो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है दोस्तों। तो ये 15x16 का आपको ड्राइंग रूम का साइज़ है, इसमें स्टेयरकेस एरिया इंक्लूड है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जस्ट लेफ्ट साइड में आपको किचन मिलता है और वहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है, और यहाँ पर सामने में एक विंडो मिल जाती है दोस्तों बड़ी सी। तो सबसे पहले किचन देख लेते हैं दोस्तों, किचन किस तरह से है। तो यहाँ पर किचन आपको मिल जाता है दोस्तों, 9x10 में आपको किचन मिल जाता है। अभी यहाँ पे मॉड्यूलर किचन नहीं बनाया गया है, लेकिन सेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, आप मॉड्यूलर किचन यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो यह होगा डोर वगैरह यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया तो आपको कि पीछे में यानी लेफ्ट साइड में आपको स्पेस मिलेगा, तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये किचन हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किचन 9x10 का काफ़ी अच्छा है, सिंपल सा है। इसके बाद हम ड्राॅइंग रूम में वापस आ जाते हैं, उसके बाद जो बेडरूम है हमारा ग्राउंड फ्लोर पर उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10x11 फिट का आपको बेडरूम मिल जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बेडरूम। वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है एक, और ये 10x11 का ये बेडरूम हमें मिल जाता है यहाँ पे, सिंपल है। ऊपर में आपको सिंपल सीलिंग मिलेगी, ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर एक वॉश बेसिन मिल जाएगा आपको, ड्राॅइंग रूम से ही आप यहाँ पर वॉश बेसिन के लिए आ सकते हैं। इसके बाद आपको 4x7 फिट का एक वॉशरूम मिल जाएगा, कॉमन वॉशरूम है ये, जिसमें आपको वॉश बेसिन वगैरह सभी कुछ मिल जाएगा, शावर वगैरह। तो ये है आपका 4x6 का वॉशरूम हो गया दोस्तों, सॉरी 4x7 का आपका वॉशरूम हो गया। अभी हम फर्स्ट फ्लोर की ओर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर की ओर देखते हैं हम किस तरह से इसका डिज़ाइन है। फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम डिज़ाइन किया गया है, जिसमें से दोनों मास्टर बेडरूम डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। यहाँ पर विंडो देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर विंडो वगैरह प्रोवाइड की गई है। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा आपको लॉबी एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे ये लॉबी एरिया है। उसके बाद फर्स्ट बेडरूम हमारा राइट साइड में और एक बेडरूम हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेडरूम देख सकते हो दोस्तों, बेडरूम का अगर मैं ये बेडरूम के साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ आपको 12x12.5 के आसपास मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसका व्यू दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं बाहर का नज़ारा किस तरह से है, व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है। तो ये आपको बड़ा 12x12.5 का एक अच्छा बेडरूम मिल जाता है, जिसमें आपको अटैच वाशरूम भी मिल जाएगा। ये हमारा अटैच वाशरूम है, यहाँ पर 4x8 फिट का बड़ा सा अटैच वाशरूम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा बेडरूम है, यह हो गया फर्स्ट बेडरूम। अभी सेकंड बेडरूम हम देख लेंगे किस तरह से सेकंड बेडरूम डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। इसके बाद सेकंड बेडरूम की ओर हम जाएंगे, तो ये सेकंड बेडरूम है, यहाँ पे डोर कंडीशन वगैरह काफ़ी अच्छी है, डोर के लॉक वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हमारा 12x14 के आसपास सेकंड बेडरूम का साइज़ मिलेगा। साइज़ को लेकर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल ड्राॅइंग अवेलेबल नहीं है, तो एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलते जुलते आपको डायमेंशन ज़रूर मिल जाएंगे दोस्तों। तो थोड़ा बहुत 6 इंच 1 फिट का फ़र्क हो सकता है। तो यहाँ पे ये 12x14 का काफ़ी बड़ा सा बेडरूम है, जिसमें क्लोजेट और वॉशरूम दोनों दिया गया है। सामने में आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है, बालकनी दी गई है, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है दोस्तों। आप बालकनी में भी आके बाहर सीट आउट एरिया एक
बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू दिया गया है। तो ये पूरा कंप्लीट एक मास्टर बेडरूम है जिसमें क्लोजेट भी दिया गया है। क्लोजेट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं। 6x7 फीट का क्लोजेट है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप वार्डरोब वगैरह इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी को लग के एक अटैच वॉशरूम दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें टाइल्स वगैरह सभी कुछ लगा है दोस्तों। ये हो गया आपका अटैच वॉशरूम। तो ये था क्लोजेट और अटैच वॉशरूम और ये कंप्लीट मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, इसका सिंपल साधारण फॉल सीलिंग है। तो ये था हमारा 3BHK हाउस जिसका कंस्ट्रक्शन एरिया 1400 स्क्वायर फीट है और प्लॉट एरिया 1500 स्क्वायर फीट है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस बिल्डिंग को परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगर आप नागपुर से हैं और अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जामठा के पास से अगर ये इंडिविजुअल बंगलो परचेस करना चाहते हैं तो कॉल ज़रूर करें दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है।